जो आए हैं तब से हमारे देश में जो उथल पतल हो रही हैं, चाहे वो सीए कानून हो, एनआरसी हो या इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे, उन चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो एक चीज़ है हम लोगों के मोनोपोली। मोनोपोली अगर आपकी हो गई, अभी कोई एक गाड़ी से 10 लोगों को उड़ा देता है, मार डालता है, मगर वो करोड़पति है, उसकी मोनोपोली चल रही है, वो हैंडल कर रहा है और वो छोड़ के चले जा रहे हैं, उसको कुछ नहीं हो रहा है। एक गरीब अगर बेचारा, उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, इमीडिएट उसको उठा करके अंदर, भले झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे, उसको उठा के अंदर कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कानून, सारे कानून लागू हो जाएंगे। तो मोनोपोली इसी चीज की है। इसको अगर देखेंगे हम, ये पूरे वर्ल्ड को मोनोपोली के थ्रू चलाया जा रहा है। एक बैंकिंग सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, ये बैंकिंग सिस्टम कौन हैंडल कर रहा है? यूके में जो लंदन से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर एक परिवार, वो परिवार पूरे वर्ल्ड को हैंडल कर रहा है। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे वो किसी छोटे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे अपने इराक का हो, ईरान का हो, पनामा का हो, वेनेजुएला का हो, या कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसको खत्म कर दिया। अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने आवाज उठाई थी उसके खिलाफ, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद दो राष्ट्रपतियों ने और आवाज उठाई, उनको खत्म कर दिया गया। वेनेजुएला जो है, उनके राष्ट्रपति ने आवाज उठाई उस सिस्टम के खिलाफ कि भाई ये सिस्टम, एक्चुअली ये सिस्टम क्या है, ये मोनोपोली को कंट्रोल करने का काम वो लोग वहां से बैठ के कर रहे हैं, जो आज कोरोना के रूप में भी आपके सामने है और हर चीज में, मतलब वहां बैठ करके कोई कुछ बोलता है तो यहाँ की सभी सरकारों को उसको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो जो सिस्टम, मतलब जो हमारा जो आर्थिक पूंजीवादी सिस्टम, जो पूंजी, जो पैसा, वो वहां से हैंडल हो रहा है। आपको कौन कहां से कैसे पैसा दिया? अभी डॉलर जो है, आपको तेल के ऊपर कंट्रोल करना, ये जो सरकारी देश में बहुत अच्छा पैसा सबके पास आया, काला सोना पूरी तरीके से तेल था, उसको लोग अपने आप बनते जा रहे, अपने आत्मनिर्भर बनते जा रहे। उसको खत्म करने के लिए सीधा एक कानून ले आया कि जो तेल से, तेल का जो भी सौदा होगा वो डॉलर से होगा और किसी से नहीं। जिन देशों ने इसको मना किया, तो हटाया सदाम हुसैन को, कैसे खत्म किया गया आप सबके सामने है। ऐसे ही वहां पर गद्दाफी को अभी अभी मारा गया, गद्दाफी ने भी आत्मनिर्भर होने की कोशिश की। अभी आत्मनिर्भर ये सब चीज है क्या, इसको अगर समझने जाएंगे तो बहुत बीच में काफी कुछ समझना पड़ेगा उस चीज को, तो मैं उस मामले में नहीं जाता, मगर मोनोपोली आप लोग सब समझ रहे होंगे इस चीज को। ठीक यही मोनोपोली आज हमारे इसमें अंबानी के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है, अदानी अंबानी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी सिस्टम चले उनके ही बलबूते पर चले। आप सोचिए, एक सरकारी स्कूल अगर किसी प्राइवेट स्कूल को खोलने के लिए नहीं दिया जाता, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खुलता यहाँ पर, निजी स्कूल, उस स्थिति में आईएएस और आईपीएस के बच्चे कहाँ पढ़ रहे होते? वो इन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते। और अगर इन सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते तो क्या आज ये स्थिति जो सरकारी स्कूलों की है, क्या वो स्थिति होती उन स्कूलों की? बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में होते, जैसे आज भले वो केजरीवाल हम कुछ भी वो माने, लेकिन उसने वहाँ स्कूल जो बनाए, उसका भी स्कूल सभी सरकारी स्कूल को बनना चाहिए था। और अगर सरकारी स्कूल वैसे होते तो चाहे अंबानी का बेटा हो, चाहे एक गरीब का बेटा, वो एक ही कैटेगरी में पढ़ रहे होते, सबको एक ही कैटेगरी में मिल रही होती शिक्षा। अस्पताल देखिए आप, अगर एक भी निजी अस्पताल नहीं बना होता तो आज ये सरकारी अस्पतालों में वो सारी सुविधा मिल रही होती जो क्या बोलते हैं आज की तारीख में निजी अस्पताल में मिल रही है। इसको खत्म करने के लिए निजी अस्पताल को चालू रखना, चालू रखने के लिए क्या होगा, सरकारी अस्पताल खत्म होना चाहिए। तो सरकारी अस्पताल की स्थिति ऐसी खराब कर दो कि मजबूर होकर के हर एक मरीज, चाहे वो गरीब भी क्यों ना हो, वो प्राइवेट अस्पताल में आए। तो ये स्थिति में हम क्या होगा, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल या जैसे बीएसएनएल जैसी कंपनियां जो हमारी है खुद की, वो सब खत्म होगी। ठीक
ठीक वही स्थिति इस वक्त इस सरकारी मंडियों की करने जा रहे हैं। अगर सरकारी मंडी के सामने ये प्राइवेट मंडियां आ गई, वो खड़ी हो गई, तो वो लोग क्या करेंगे? सरकारी मंडी के जो अफसरान होंगे ना, उनको पैसा खिलाकर वहां पर गंदगी फैलाएंगे, वहां की स्थिति ऐसे करेंगे, पैसा पहुंचाने में टाइम वेस्ट करवाना किसानों का, या उनको इस तरह मजबूर कर देना कि वो सरकारी मंडी में छोड़कर प्राइवेट मंडी में आके अपना माल बेचेंगे। प्राइवेट मंडी चलेगी, प्राइवेट मंडी चलेगी तो सरकारी मंडी अपने आप खत्म होती चली जाएगी। जैसे आज सरकारी स्कूल खत्म हो रहे, हमें सरकारी स्कूलों की जो प्रॉपर्टी को कैसे बेचा जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, तो ये अगर हमने नहीं रोका तो किसान लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क हम लोगों को पड़ेगा। क्योंकि किसान लोग तो साल भर का अनाज जब अनाज उगाते हैं वो अपने घर में रख लेते हैं खाने के लिए, हम लोग तो एक महीने का अनाज रखते हैं। एक महीने के बाद स्थिति क्या होगी? अगर जमाखोरों के पास आ गया अनाज तो वो जमाखोर क्या करेंगे? वो अपनी तो कमाई करना है ना उनको, वो कमाई के हिसाब से अपनी सारा खर्चा जो उन्होंने लुटाया, जैसे जियो ने पहले मुफ्त में दिया, वो सब वसूल करेंगे, एक दो साल देंगे और उसके बाद फिर वसूल करना शुरू करेंगे। सरकारी मंडी खत्म हो गई, अब हम वापस जाना चाहे सरकारी मंडी पे तो खत्म जा ही नहीं सकते, हमें चीज को खत्म कर दी गई, बीएसएनएल को तो खत्म कर दिया, उसको वापस खड़ा नहीं कर पा रहे हम लोग। जब तक रोड पर नहीं उतरेंगे तब तक बीएसएनएल खत्म नहीं होगा। जिस वक्त इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उस वक्त वो जो मोनोपाली वाले बैठे थे ना वहां पर, जो एक परिवार वाले, वो हिल गए थे और उन्होंने 71 का युद्ध करा था, कौन सा? भारत पाकिस्तान का। और उस वक्त अगर इंदिरा गांधी थोड़ी भी कमजोर होती तो उस वक्त बहुत हालत हमारे देश की खराब होती। उसने बहुत प्लानिंग से काम करके इस उसको जीत दिलाई और उल्टा पाकिस्तान का टुकड़े करवा दिए। तो ये पूरे खेल वो लोग वहां पर बैठ के खेल रहे हैं, अदानी अंबानी उनके बहुरे हैं, मतलब वो एक तरीके से, और ये लोग का मोदी और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो हमारा सबसे बड़ी जो दुश्मन है, अगर देखेंगे, जैसे आप अगर एक चीज को समझेंगे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम जर्मन जो है वो खत्म हो गया था, और उस टाइम आर्थिक मंदी आई थी, आर्थिक मंदी काम यानी लाना और निकालना, ये काम उसी परिवार का काम है, वही करता है ये सारा खेल कि अभी आर्थिक मंदी, जबकि अनाज है सबके पास, भरपूर मात्रा में अनाज मौजूद है, लेकिन फिर भी भुखमरी मिलेगी आपको, बेरोजगारी मिलेगी, क्यों? क्योंकि उनको करना है। तो उस टाइम आर्थिक मंदी आई थी, तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने इनको नकार दिया, खुद के नोट छापे, बैंकिंग सिस्टम है उस चीज को थोड़ा सा डीप में जाओगे, मैं मेरे को मालूम है लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा तो समय बहुत जाएगा। तो उसमें उसने खुद के नोट छापे, नोट छाप करके उसने अपनी खुद की आर्थिक व्यवस्था बनाई हिटलर ने। परिणाम यह हुआ कि हिटलर सबसे मजबूत हो गया उस वक्त, हिटलर सब में मजबूत हो गया था, और मजबूत होने की वजह से ये पूरी जो अमेरिकी लॉबी ये जो कमजोर थे वो सबके साथ घबरा गए थे। फिर उनके प्लान के हिसाब से अगर आप लोग हिटलर का ही पेपर देखेंगे तो उनकी इतनी इसके उसके इतने लेटर्स है जिसमें वो खुद कहता है कि मैं युद्ध नहीं चाहता, उसने गलत काम किए, वो सारी चीजें है हमारे सामने, लेकिन उसने ये भी कहा था कि मैं युद्ध नहीं चाहता, मगर युद्ध थोपा गया। और उस वक्त अमेरिका जो है वो युद्ध में नहीं आना चाहता था, परिवार वही कर रहा था यूके, तो अमेरिका को लाने के लिए, मतलब ब्रिटेन भी खेल खेल रहा था पूरा, जर्मन और ब्रिटेन के बीच में ही युद्ध हो चालू था, तो अमेरिका को लाने के लिए अमेरिका का एक जहाज को वहां पर अपने प्लान के हिसाब से इन लोगों ने बिना झंडे का पहुंचाया था जर्मन के ऊपर, जर्मन के क्षेत्र में। अब उसके क्षेत्र में जाएगा, युद्ध का मौसम है, उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, 1200 लोग मारे गए, परिणाम क्या हुआ, अमेरिका को भी कूदना पड़ा उस लड़ाई में। तो ये पूरा है, ये सब मोनोपाली का खेल है। अगर हम लोग इस चीज को समझे, हम लोग इस जो मैंने जैसे कहा, जैसे बीएसएनएल को बर्बाद किया, सरकारी स्कूलों को खराब किया, हम लोग इसी तरह सरकारी मंडी को बचा ले। ये सरकारी मंडी हम सबका जीवन है, ये सब ये सरकारी मंडियां हमारी जीवन है, और ये सरकारी मंडी तभी बच सकती है जब ये कानून जो है, जो इतने खतरनाक कानून है, इनको जब तक वापस नहीं करवाएंगे हमारी सरकारी मंडी नहीं बच पाएगी। जैसे हमारे सरकारी स्कूल खराब हुए, खत्म हुए हैं, अस्पताल खत्म हुए, हमारा बीएसएनएल खत्म हुआ, ऐसे बहुत से संस्थान अभी बैंक जितने हैं ये बैंक खत्म किए जा रहे हैं, हमारे उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है, इसमें हम सब
गुलामी की तरफ मुक्त हो गया। बस मैं इतना कहता हूँ, थैंक यू।